हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज कोई गेम तो नहीं प्ले करने जा रहे हैं हम लोग, बट एक गैजेट मैंने लिया था, उसका रिव्यू मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरा गेमिंग चैनल है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं जो है एक चीज़ जो है वो लाया हूँ आज। और ये एक स्टेयरिंग व्हील है और उसके साथ ये पेडल्स, और उसके साथ ये एक जो है बटन्स के लिए उसका कंट्रोलर है, और देख सकते हैं आप। और इसके साथ में है ये स्टीयरिंग व्हील। इसके साथ एक कंट्रोलर है, तो देख सकते हैं। तो ये है तो प्लास्टिक ही, बल इसके साथ जो है स्क्रू हैं इसके, देख सकते हैं। इतनी अच्छी क्वालिटी के तो नहीं है, बट ये कुछ प्लास्टिक के ही हैं, तो लेकिन ये है कि गुजारा कर जाएंगे। तो ये कंट्रोलर है इसके साथ, तो ये लॉजिटेक का ये सेट है। और ये इसके साथ है स्टीयरिंग व्हील, तो ये देख सकते हैं आप। तो इसकी 900 तक जो है रोटेशन है ये, इसके अंदर ये हॉर्न आ गया, ये इसके अंदर आप देख सकते हैं जॉयस्टिक है, ये भी जॉयस्टिक है, ये बटन्स हैं, अपने अकॉर्डिंगली आप जो है वो सेट कर सकते हैं। और इसके साथ भी वही स्क्रू है, और जैसे उस कंट्रोलर के साथ था वैसे इसके साथ भी एक जो है वो स्क्रू है। तो इसको हम इसके साथ भी अटैच कर सकते हैं, अपने टेबल के साथ और जिस चीज़ के साथ चाहें इसको अटैच कर सकते हैं। और ये इजी टू प्ले है, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर ये है कि ये प्लग एंड प्ले है। तो ये यूएसबी ड्राइव इसके साथ मिलती है हमें, तो यूएसबी सिंपल हम इसके साथ अटैच करेंगे और प्ले कर देंगे। पैडल्स जो हैं, पैडल्स के लिए हमारे पास स्टीयरिंग व्हील में ये जगह बनी हुई है, और ये जो इसकी वायर है हमें इसके साथ मिली हुई है। तो इसी के अंदर जो है वो सिंपल यूएसबी वायर इसके साथ हमें मिल जाती है, और ये सिंपल प्लग एंड प्ले है। तो इसके साथ ही यहाँ पर जो है ये पैडल्स अटैच हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पैडल्स की जगह है, यहाँ पर पैडल्स लग जाएंगे, और मैं आपको अटैच भी करके दिखा देता हूँ। सिंपली ये वायर जो है हमें साथ मिली है, और इसको इसके साथ अटैच करके और इसको पेडल्स के साथ, ये वाली जो वायर है इसको पेडल्स के साथ अटैच करके, और ये सिंपल जो है प्लेएबल हो जाएंगे। और जो ये गैजेट है इसके साथ अपना अलग-अलग यूएसबी है केबल, और इसको हम इंडिविजुअली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसके साथ भी सिंपल जो है ये आप किसी भी गेम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। टेकन जो टेकन सीरीज जो है, टेकन 8, टेकन 7, उसके साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं। तो यार बिल्ड क्वालिटी जो है इसकी स्टेयरिंग की तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, और जो इसके साथ कंट्रोलर है उसकी भी काफ़ी सही है। बट ये जो रेस और ये जो ब्रेक है इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी जो है बहुत कर, ये देख सकते हैं आप प्लास्टिक है और ये किसी भी टाइम टूट सकता है, बट ये है कि काम दे जाएगा ये। और ये लॉजिटेक का हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट, नाम है हैवी इक्विपमेंट बंडल। तो अब इसको सेट कर लेते हैं और कंप्यूटर पे इसका रिव्यू दिखाते हैं आपको। तो सेटिंग्स इसकी कर ली हैं हमने, तो अब देख लेते हैं। ये कैमरास की सेटिंग मैंने कर ली है, और ये देख सकते हैं आप। तो साथ ही इसके जो है स्टीयरिंग व्हील भी जो है वो स्टीयरिंग व्हील भी साथ ही मूव हो रहा है इसके। अब इसको चला कर देख लेते हैं।
देख सकते हैं आप कि मूवमेंट भी अच्छी है यार इसकी, और ब्रेक्स और रेस तो काम कर रही है, ब्रेक भी चेक कर लेते हैं। हाँ जी, तो ब्रेक भी बिल्कुल सही है, और जो स्टेयरिंग है वो इसका जो है वो काफ़ी अच्छा है। और ये देख सकते हैं आप 900 डिग्री तक जो है ये इसको रोटेट कर सकते हैं। जो कैमरा रोटेशन है वो भी मैंने सेट कर ली थी, इससे आप अपनी कैमरा रोटेशन कर सकते हैं, कैमरे को मूव कर सकते हैं इससे, और अपने अकॉर्डिंग आप इसके बटन्स जो है वो सेट कर सकते हैं। तो आई होप ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।